नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पार रंजीत ब्लॉग। दोस्तों, शेयर बाजार में तेज़ी के साथ ही म्यूचुअल फंड का रिटर्न भी बड़ी तेज़ी से इंक्रीज हुआ है। लॉकडाउन के बाद इक्विटी फंड में जोरदार तेज़ी देखने को मिली है। अगर हम एक्सपर्ट की बात करें तो एक बार फिर म्यूचुअल फंड में निवेश को लेकर पॉजिटिव हुए हैं। म्यूचुअल फंड में निवेश करने का सबसे सुरक्षित और बेहतर तरीका है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी SIP। SIP से आप अपना पैसा एक मुश्त में जमा करने की जगह हर महीने तय किस्त के आधार पर आप अपना पैसा जमा करते हैं। छोटे रिटेल और कम इन्वेस्टर जो होते हैं अमाउंट के, वो भी बड़ी अच्छी सुविधा के साथ में इस प्लान के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से अपना एक अकाउंट ओपन करते हैं तो बहुत ही कम रिस्क के साथ हाई रिटर्न पाने की आपकी संभावना होती है। अगर आप SIP स्कीम के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मार्केट में कई ऐसे प्लान हैं जो 100 रुपये से लेकर के 500 रुपये की मासिक इंस्टॉलमेंट के ऊपर प्लान आपको मिल रहे हैं। तो दोस्तों, कई ऐसे प्लान हैं जिन्होंने पिछले 5 साल में बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है। अगर हम रिटर्न की औसतन बात करें तो अप्रोक्स 25 से 30% तक का रिटर्न दिया है। तो एक एग्जांपल के तौर पर अभी हम देखते हैं, अगर आप किसी प्लान में अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो 3 लाख रुपए अगर आप जमा करते हैं तो आने वाले 5 साल में आप उसे 11 से 12 लाख रुपए कैसे बना सकते हैं। क्योंकि अगर आप अभी दूसरी जगह पर अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कम से कम 9.5 से 10 साल में आपका पैसा डबल हो रहा है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 5 साल के अंदर अगर आप 3 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो 11 से 12 लाख रुपए होने वाले, यानी कि 4 गुना आपको रिटर्न मिलने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप अभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसके ऊपर आपको फाइनेंस, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड ही वीडियोस देखने को मिलती हैं। दोस्तों, अभी एग्जांपल के तौर पर हम देखते हैं PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड। अगर इस प्लान के अंदर आप अभी पिछले 5 साल का औसतन रिटर्न देखते हैं तो 5 साल में इसने 25% तक का रिटर्न दिया है। एक एग्जांपल के लिए, अगर 5 साल आप 5,000 रुपये मंथली SIP स्टार्ट करते हैं तो जो टोटल आपका इन्वेस्टमेंट होगा वो 3 लाख रुपए होंगे और अप्रॉक्स आपको जो रिटर्न मिल रहा है वो 11 लाख रुपए मिल रहे हैं। इसी में स्मॉल कैप फंड है, 5 साल का इसका रिटर्न है 23% का, और 5 साल में अगर आप 5,000 रुपये मंथली इंस्टॉलमेंट के हिसाब से SIP आप लेते हैं तो 10,54,000 रुपये का आपका रिटर्न मिलता है और इन्वेस्टमेंट आपका 5 साल में सिर्फ 3 लाख रुपए होंगे। मेरे एसेट्स एमर्जिंग ब्लू चिप फंड, इस फंड के अंदर भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 5 साल का औसतन रिटर्न 23% का है। यहाँ पर भी अगर एग्जांपल के तौर पे 5 साल में 5,000 रुपये की SIP इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अप्रॉक्स 10.5 लाख रुपये आपको रिटर्न मिलते हैं। SBI स्मॉल कैप फंड, इसका भी रिटर्न 23% का है, सेम आपको अप्रॉक्स रिटर्न इसके अंदर भी मिलने वाला है। एक्सिस मिड कैप फंड, इसमें भी औसतन 5 साल का रिटर्न 23% तक मिल रहा है। तो दोस्तों, अगर आप इस तरीके के फंड्स के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 23 से 25% तक का आपको रिटर्न मिल रहा है। तो दोस्तों, अगर अभी भी चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। आगे भी आपको इस चैनल पर फाइनेंस, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलते रहेंगे। धन्यवाद।